किया जो आप कहना चाहते थे कि पीडीपी आउट, पीडीपी को हमने आउट नहीं किया। लोकसभा चुनावों से ठीक पहले उमर अब्दुल्ला का बयान पीडीपी की अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती की आगामी चुनावों में मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। श्रीनगर में पत्रकारों से बात करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वे पीडीपी के साथ सीट बंटवारे के लिए समझौता नहीं करेंगे। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि पीडीपी ने जम्मू कश्मीर में भाजपा के साथ सरकार बनाई और लोगों के जनादेश को धोखा दिया। उमर ने कहा कि पीडीपी के पास कोई विश्वसनीयता नहीं है और उनके पार्टी लोकसभा चुनावों में सीट बंटवारे के लिए पीडीपी से समझौता नहीं करेगी। उमर अब्दुल्ला ने इंडिया गठबंधन में शामिल होने के विषय पर कहा कि अगर उन्हें पहले ये कहा गया होता कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को पीडीपी के साथ साझेदारी करनी पड़ेगी तो उनकी पार्टी इंडिया गठबंधन में शामिल ही नहीं होती। उमर ने कहा कि अगर राहुल गांधी और सोनिया गांधी कहते हैं कि कांग्रेस के लिए सीट छोड़ दें तो वह पीडीपी के बजाय कांग्रेस को सीट देना पसंद करेंगे। उन्होंने दावा किया कि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस दो नंबर पर है जबकि पीडीपी तीसरे नंबर पर है। उमर ने कहा कि कश्मीर घाटी में सभी तीन लोकसभा सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेगी और जीत दर्ज करेगी। न्यूज टुडे राष्ट्रीय के लिए कश्मीर से आदिल अब्दुल्ला की रिपोर्ट। वोटिंग की तारीख भी नजदीक आ रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से कब कैंडिडेट्स की लिस्ट सामने आएगी? जब हम पसंद करेंगे अनाउंस करना। हम ना आपके प्रोग्राम के मुताबिक ना किसी और के प्रोग्राम के मुताबिक अपने कैंडिडेट्स का ऐलान करेंगे। हालांकि अपनी जगह मैं आज मुतमईन हूं कि मुझे पता है कि किसने कहां से लड़ना है, लेकिन ऐलान हम तब करेंगे जब हमें सूट करेगा। और जहां तक रही बात, आपने कह ही दिया जो आप कहना चाहते थे कि पीडीपी आउट, पीडीपी को हमने आउट नहीं किया। हालात में पीडीपी को जो है इस इलेक्शन से आउट रखा। अब आप मुझे बताइए ना, आप साउथ कश्मीर की सीट आप बार बार पूछते हो कि साउथ कश्मीर की सीट पीडीपी को क्यों नहीं, मुझे बताइए ना, अब ये कहाँ की सियासत है कि जो पार्टी तीसरे नंबर पे आई इससे पहले वाले पार्लियामेंट इलेक्शन में, नंबर वन पार्टी और नंबर टू पार्टी दोनों अपना क्लेम छोड़ के तीसरे नंबर की पार्टी को वो सीट दे दें, और जिस सीट पे फिलहाल तो बीजेपी का कोई असर रसूख नजर नहीं आता। बाकी जहां तक कोलिशन की बात है, कोलिशन को चलाना या कोलिशन के मतलब माहौल को सही रखना ये हर तंजीम की जिम्मेदारी बनती है। मुझे ये बताइए ना, उनकी सीटों पे आपको बड़ी परेशानी होती है, लेकिन जब वो अपनी तकरीरों में या अपने ट्वीट्स पे या सोशल मीडिया पे नेशनल कॉन्फ्रेंस को बार बार निशाना बनाते हैं, उस वक्त आप लोग उनसे नहीं पूछते हो कि ये कहाँ की कोलिशन धर्मा है। अब मिसाल देते देते मैं थक जाऊंगा, लेकिन मिसालों की कमी नहीं है। पिछले लगातार दो साल से जब भी उनके रेजिंग डे के फंक्शन हुए तो तकरीरों में बीजेपी से ज़्यादा नेशनल कॉन्फ्रेंस को निशाना बनाया गया। रिकॉर्ड्स आप सबके सामने हैं, वहाँ पे जो गाने गाए गए, जुल्म का अलबर्न हटाओ, फिर कलमदाबाद को वोट डालो, वो क्या हम भूल जाएंगे? क्या मेरे वर्कर ये भूल जाएंगे? अब पाकिस्तान का इलेक्शन है, पाकिस्तान के इलेक्शन में क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसमें भी नेशनल कॉन्फ्रेंस को लताड़ा जाता है ट्विटर के जरिए कि पाकिस्तान में जो हुआ उससे जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं वो 87 को याद करते हैं। अब ये कहाँ की कोलिशन धर्मा, अब पता नहीं किस वो नशे में आके गुलाम नबी आज़ाद साहब ने फारूक अब्दुल्ला को निशाना बनाया, उसमें भी पीडीपी वाले घुस जाते हैं। जुमा जुमा उनको हफ्ता नहीं हुआ है सियासत में आए हुए, वो भी गुलाम नबी आज़ाद साहब के साथ मिलके फिर फारूक अब्दुल्ला साहब को नेशनल कॉन्फ्रेंस को ट्विटर के जरिए निशाना बनाते हैं पीडीपी के प्लेटफॉर्म से। और फिर आप कहते हो कि कोलिशन कहाँ है, यानी अब कोलिशन को मेंटेन रखना ये अकेले नेशनल कॉन्फ्रेंस की जिम्मेदारी नहीं है, ये उन लोगों की भी जिम्मेदारी है जिन्होंने एक आदत बनाई हुई है, जो आदत से मजबूर हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस को निशाना बनाते बनाते। जब तक वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आते वो हमसे कोई ज़्यादा उम्मीद रख नहीं सकते। लेकिन इस बात के बावजूद भी कि हम लगातार उनसे ये उनके हमले के शिकार होते हैं, मैंने तब भी कांग्रेस को इस बातचीत के दौरान उनसे कहा है कि देखिए ना, 6 सीटों में ज़्यादा गुंजाइश है नहीं,
लेकिन हम असेंबली में एक साथ काम करने के लिए, दरवाजा खुला रखने के लिए तैयार हैं, लेकिन बशर्त ये कि हम देखें कि इस आने वाले पार्लियामेंट इलेक्शन में उनका रवैया कैसा रहेगा। इतना ही।